जासूसी कहानियों में किसी महिला का खूनी होना हमेशा ही आकर्षित करता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि महिलाओं का इस तरह के किरदार में कम देखा जाना और जो सामान्य नहीं होता वो हमेशा आकर्षित करता है। ऐसी ही एक महिला जासूस है जिसे लोग डबल एजेंट माता हारी भी कहते हैं। माता हारी का असली नाम मागेथा गीरत्रिदा मैक्लियोड है। माता हारी एक अमुक नृत्यांगना थी जिसे प्रथम विश्व युद्ध में जासूसी करने के आरोप में गोली मार दी गई। माता हारी की जिंदगी पर साल 1931 में हॉलीवुड फिल्म बनी जिसमें ग्रेटा गर्बो मुख्य भूमिका में थी। मार्गेथा का जन्म हॉलैंड में हुआ था और शादी एक फौजी कैप्टन से। एक बुरे रिश्ते में फंसी मार्गेथा ने अपने नवजात बच्चे को भी खो दिया। साल 1905 मार्गेथा ने खुद को माता हारी की पहचान दी और इटली के मिलान स्थित ला स्काला और पेरिस के ओपेरा में एक प्रमुख नृत्यांगना बनकर उभरी। अपने पेशे के कारण उनके लिए सफर करना आसान था। इस कारण जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान माता हारी को पैसे के बदले जानकारियां साझा करने का प्रस्ताव दिया और इस तरह वह जर्मनी की जासूस बनी।